हेलो दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगता है आप भी मेरी तरह सफारी फ़ैन हैं। मैंने XZA मॉडल ख़रीदा है और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं इसमें। XZA एंड XZA प्लस में ऑलमोस्ट इंटरनल फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, ड्राइविंग फीचर्स ये सभी सेम हैं। ओनली थिंग XZA प्लस में आपको सनरूफ मिलती है और 6 सीटर का एक ऑप्शन मिलता है। तो हम आज ये जानेंगे कि इसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि आपको सफारी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आपको कितना इसमें आनंद आएगा इसको चलाने में। डेफिनेटली मुझे इसको सफारी को लेने के बाद लगा कि मेरे लिए तो ये बहुत ही लग्जरियस गाड़ी थी। इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो इसके सेफ्टी फीचर्स हैं और इसके इंटरनल फीचर्स, जिनके बारे में हम बताएंगे अभी। देखते हैं इसमें और क्या क्या है। क्रूज़ कंट्रोल जैसा मैंने अभी दिखाया आपको स्क्रीन पर, लेफ्ट हैंड साइड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फॉर योर म्यूजिक बॉक्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपके बीच में कंसोल है पूरा जिसमें एसी कंट्रोल्स, वेंटिलेशन, एयर फ्लो कंट्रोल्स। इसके ऊपर ये है आपका एयर फ्लो कंट्रोल, जिससे आप कंट्रोल एयर फ्लो का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। उसके साइड में आपको मैक्सिमम एयर फ्लो कंट्रोल मिलते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन करने के लिए नॉब है। इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल। टच स्क्रीन है तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप नॉब यूज़ करें, आप वैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्फोटेन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आधा मैनुअल है आधा डिजिटल है। मैनुअल में आपको दिखता है कितना इसकी टॉर्क है और डिजिटल में आपको वेरियस फीचर्स मिलते हैं। गियर बॉक्स वेरी ब्यूटीफुल, पार्क R&D, दीज आर वेरी हाईली टेक्निकल फीचर्स, मुझे बहुत पसंद आए। पार्क मोड में आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, आपको ब्रेक लगाने के बाद आप स्टार्ट करते हैं, फिर उसको पार्क से वापस लेके आते हैं। ऑटो होल्ड, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक मैजिकल फीचर है ख़ासतौर से उनके लिए जिन्होंने नया ऑटोमेटिक वर्जन चलाना शुरू किया है या इवन नॉट ऑटोमेटिक मैनुअल भी चलाना शुरू किया है और जो सीखना भी चाह रहे हैं सफारी से, तो उनके लिए एक मैजिक की तरह काम करता है। क्योंकि उनको जहां भी गाड़ी रुकेगी ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे, चाहे वो ड्राइविंग मोड में हो या आप न्यूट्रल मोड में हो या आप रिवर्स मोड में हो। यदि गाड़ी को आप रोकते हैं तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि गाड़ी पीछे चली जाएगी या गाड़ी स्लो पे चली जाएगी। दैट्स अ मैजिकल फीचर एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में मैं आपको डेफिनेटली थोड़ी देर में बताऊँगा, लेकिन ऑटो होल्ड के बारे में एक और फीचर है कि ये हर मोड पर काम करता है और हर टेरेन पे काम करता है। पार्किंग ब्रेक जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही स्लीक ब्यूटीफुल लुकिंग है, इट्स नॉट अनलाइक योर हैरियर और अदर लोअर वर्जन ऑफ सफारी, ये इसमें मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को यदि हम उसे ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको एंड्रॉयड कनेक्ट और एप्पल कनेक्ट पे करना होगा। इसके थ्रू आप अपने फीचर्स को सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, FM रेडियो सेटिंग्स हो सकती है, आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। आप XZA प्लस एंड XZA में ये थोड़ा बड़ा आता है, XZA से लोअर वर्जन्स में थोड़ा छोटा आता है साइज़ में। जब मैं इसको शुरू में सेटिंग कर रहा था तो मुझे पता नहीं था कि गाड़ी चलते हुए नहीं कर सकते, तो आप एक जगह पार्क करने के बाद आप अपना एंड्रॉयड कनेक्ट शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल पर कुछ फीचर्स ऑन करने होंगे, फीचर्स मीन्स कुछ परमिशंस देनी होंगी। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपसे ऑटोमेटिकली परमिशंस मांगना शुरू करेगा सिस्टम और देन यू आर कनेक्टेड।
एडिशनली आपको जो फीचर मिलते हैं XZA प्लस और XZA में वो है ऑटोमेटिक लाइट। जब भी अंधेरा होगा या आप टनल से निकलते हैं तो आपको लाइट ऑन हो जाती है, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का ऑप्शन रहता है जिसे आप ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लाइट्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, दीज टू फीचर्स आई नो दीज आर अवेलेबल इन अदर मॉडल्स ऑल्सो, बट हाउ डज दैट मैटर। मेरे लिए तो ये लग्जरी, मुझे तो इस कार में लग्जरी चाहिए जो कि अवेलेबल है। तो ये है आपका रेन सेंसिंग वाइपर ऑप्शन, मैंने ऑटोमेटिक में ही लगा रखा है। एंड वापस चलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की सेटिंग पर, जहाँ कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी थोड़ा सा व्यू दूंगा। मे भी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा मेरे वीडियो से। राइट हैंड साइड पर आपको ऑल मिलता है फोल्डेबल IRVM, जो कि अगेन इट्स इन ओनली अवेलेबल इन ऑटोमेटिक वर्जन, नॉट ऑटोमेटिक, हायर वर्जन्स। सो XZ प्लस में भी है, XZ में भी है और ऑटोमेटिक में भी है। सो इट्स अ गुड थिंग, आपको अंदर से ही कंट्रोल मिल जाते हैं। जब भी आप गाड़ी लॉक करके बाहर जाते हैं तब भी ये बाहर से फोल्ड हो जाते हैं रियर व्यू मिरर्स आउटसाइड। एंड और क्या फीचर्स हैं इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड्रॉयड कनेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डुअल टोन इंटीरियर्स आप देख सकते हैं, स्टेयरिंग व्हील है। अब यदि इंफोटेन में और देखना चाहें, हम इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट है, इसमें आपको पार्किंग कैमरा व्यू लेने के लिए भी एक ऑप्शन है। उसके लिए आपको रिवर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये वन टच बैक कैमरा रियर कैमरा को स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पीछे कोई है तो नहीं। फिर सेटिंग में आपको वॉल्यूम सेटअप, ऑडियो सेटअप, फ़ोन सेटअप एंड सिस्टम दे मिलता है। ये मैंने ऑन किया रियर व्यू कैमरा आपकी टच स्क्रीन से, जिससे कि आप जूम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, ऑप्शंस हैं। ये मैंने थोड़ा जूम किया, ये जो लाइंस हैं रेड येलो, इनका आपको ध्यान रखना होता है। आप जब जैसे जैसे चलाना शुरू करेंगे आपको डेफिनेटली इसकी आदत पड़ती जाएगी। बहुत अच्छा है सिस्टम, इट्स अ लग्जरी फॉर मी आई मस्ट एडमिट, बिकॉज इससे पहले मैं एक हैचबैक ड्राइव करता था मैनुअल, और तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पैम्परिंग गिफ्ट है अपने आप को। एंड आई होप यू ऑल विल बी लाइकिंग इट। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी सफारी खरीदने का मूड बना रहे हैं या सफारी खरीद चुके हैं। तो वॉल्यूम कंट्रोल्स जैसा आप देख सकते हैं मैंने रॉक पे लगाया हुआ है। अगेन बहुत सारे फीचर्स इसमें आप सेटअप कर सकते हैं टच स्क्रीन से, बहुत अच्छे से काम करता है ये टच स्क्रीन। और डेफिनेटली टाटा अगली सर्विसिंग में या जब भी इसके नए वर्जन सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेगा तो मुझे डेफिनेटली वो मिलेगा, दैट्स अ लॉयल्टी बोनस आई एम एक्सपेक्टिंग। व्हाट एल्स इन दिस, वी हैव लॉट ऑफ सेटअप्स, बट मेनली योर म्यूजिक एंड डिस्प्ले एंड मोबाइल, दीज थ्री थिंग्स आर हैंडल्ड बाई इंफोटेनमेंट सिस्टम। सेफ्टी फीचर्स जो मुझे इसमें बहुत पसंद हैं वो हैं एयरबैग्स, देन रोल ओवर मिटिगेशन एंड योर क्रैश फीचर्स, यू नो इट्स इट हैज़ गॉट अ 5-star रेटिंग। तो आप डेफिनेटली हैप्पी हो सकते हैं, जो कि दूसरे ब्रांड्स आई विल नॉट नेम देम, जिनके पास बहुत फीचर्स हैं बट वो सेफ्टी एंड मजबूती में कमज़ोर हैं, और मैं उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सफारी को चूज़ किया। ये मैंने अपना एंड्रॉयड कनेक्ट शुरू किया है तो मैं इसमें देख सकता हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो है गूगल मैप, जो इसमें ऑटोमेटिकली शुरू होता है। आपको जस्ट उसको बोलना है कैन यू टेक मी हियर और टेक मी दिस साइड। इंटरनल फीचर्स ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आप लेना चाहते हैं सफारी। एंजॉय कीजिए ट्रिप, लॉन्ग ड्राइव, सेफ ड्राइविंग। थैंक यू।